The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, namaskar, adab and sat sri akal. Kaise hain aap? Dosto, apne chehre pe ya kisi fungal infection pe कई लोग बहुत कॉमनली स्टीरोइड क्रीम्स या जो नॉर्मली आप क्रीम्स लगाते हैं कई सारी स्किन पे चमड़ी पे लगाने वाली क्रीम्स में स्टीरोइड्स होते हैं। इन्हें हम जो ऊपर से लगाते हैं चमड़ी पे इन्हें हम टॉपिकल क्रीम्स कहते हैं। तो आज हम इन्हीं क्रीम्स के बारे में बात करेंगे। टॉपिकल स्टीरोइड क्रीम्स कहाँ काम आती हैं, उसके फायदे कहाँ हैं, नुकसान कहाँ हैं और आप जाने अनजाने उन्हें यूज कर रहे हैं। जी हाँ, स्टीरोइड सुन के आपको लगता है बाप रे स्टीरोइड तो खराब ही होगा, बट टॉपिकल स्टीरोइड कहाँ पर बहुत काम आ जाता है, कई सारी बीमारियां, एलर्जी और फंगल इन्फेक्शन और कई सारी चीजों में दिया जाता है, तो आपके साथ आज हम रूबरू इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। सो ये आप ही का चैनल है। इस चैनल पे मेडिकल इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको सिंप्लीफाइड भाषा में समझाई जाती है। किसी एक डॉक्टर की या मेरी खुद की व्यूज नहीं है ये यूएस नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से रेकमेंडेड आपको नॉलेज मिलती है जो पेशेंट्स एजुकेशन के लिए खासकर बनाई गई। सो बात करते हैं टॉपिकल स्टीरॉयड की। सो देखो, टॉपिकल स्टीरॉयड का मतलब एक ऐसा एंटी इन्फ्लामेटरी प्रिपरेशन होता है जो कि कंट्रोल करता है एक्जिमा, डर्मेटाइटिस या इस प्रकार की कोई भी एलर्जिक स्किन कंडीशन को। इनको हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी कहते हैं और साथ में कॉर्टिसोन भी कह सकते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी कह सकते हैं। तो ये वाले जो स्टेरॉइड्स होते हैं, ये वाले स्टेरॉइड्स की गोलियां भी आती हैं जो आप कोविड में खाते थे, जो कोरोना में खाते थे, वो उसी प्रकार के स्टेरॉइड्स होते हैं ये। अब इसके आप ऊपर से लगा रहे हैं, राइट। सो टॉपिकल स्टेरॉइड करते क्या है, ऊपर से लगाने वाले स्टेरॉइड क्या क्या करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं। बॉडी के स्किन के ऊपर कहीं किसी भी कारण से इन्फ्लामेशन हो रहा है तो वो उसको दबाते हैं। कुछ जगहों पे ये फायदेमंद है एलर्जी में, लेकिन इन्फेक्शन में नहीं। इन्फेक्शन में इन्फ्लामेशन आपके बैक्टीरियाज को मारने का काम करता है, तो वहां इन्फेक्शन में हम ये नहीं देते। इम्यूनो सप्रेसिव एक्शन होता है, सेम चीज एलर्जिक रिएक्शंस में आपकी इम्यून सिस्टम ही डैमेज कर रही होती है एक एलर्जिक रिस्पॉन्स में, तो उसको सप्रेस करना बनता है। एंटी प्रोलिफरेटिव होती है, वैसो कंस्ट्रिक्टिव होती है। एंटी प्रोलिफरेटिव यानी वहां पर ग्रोथ होने से रोकती है। कई बार आपने देखा है कहीं पर चोट लग जाती है तो वहां स्कार टिश्यू बन जाते हैं, मोटी मोटी चमड़ी बन जाती है, कई बार चमड़ी बहुत ही ज्यादा मोटी हो जाती है, स्कार ज्यादा ही मोटे हो जाते हैं। उसको भी ज्यादा हैवी प्रोलिफरेशन ना हो जाए, सेल्स ज्यादा ग्रो ना हो जाए वहां पर, उसको भी ये रोकता है। और वैसो कंस्ट्रिक्टिव मतलब खून की नसों को सुकड़ा देता है ये, ताकि वहां पे ब्लड फ्लो, सूजन, लालपना कम हो जाए। तो एक तरीके से एलर्जिक रिएक्शंस पे बहुत बढ़िया काम करता है टॉपिकल स्टेरॉइड्स। इसीलिए अस्थमा जैसे पेशेंट्स को इनहेलेशनल स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, कोरोना में पेशेंट्स को नाक से यानी कि सांस से स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। तो स्टेरॉइड्स काम के होते हैं, पर सही जगह पे, सही वक्त पे, सही डोज पे काम करें। अब याद रखें, ज्यादातर ट्यूब्स जो आप चमड़ी पे लगाते हैं वो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि उसमें एक स्टेरॉइड होता है, उसके अलावा एक एंटीबैक्टीरियल प्रोडक्ट और एक एंटीफंगल प्रोडक्ट या फिर कैल्सीपोट्रॉल करके कोई इंग्रेडिएंट्स डाल दिए जाते हैं, मल्टीपल चीजें डाल दी जाती है। अल्टीमेटली होता क्या है, ये टॉपिकल यानी ऊपर से लगाने वाले एंटीबायोटिक्स हमें रेयरली यूज करनी चाहिए, रेगुलरली नहीं कि साल में छह महीने आप एंटीबायोटिक लगाए जा रहे हो स्किन के ऊपर, दैट इज रॉन्ग। क्योंकि कई लोगों को एलर्जीज हो सकती है, रिपीटेड एलर्जीज हो सकती है, तो वो क्रीम पे क्रीम लगाए जाते हैं, सो उसमें वो ऐसी कॉम्बिनेशन क्रीम नहीं यूज करें, राइट। या अगर उन्हें लगता है, उनके डॉक्टर ने लिखा है, तो शॉर्ट टर्म में यूज करें, बिकॉज इसमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, राइट। उसी माइक्रोब वहां लगा लगा के उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, राइट। सो ऐसे कंडीशन में आपको कॉम्बिनेशन स्टेरॉइड्स नहीं, खुद से तो यूज ही नहीं करना है, डॉक्टर ने लिखा है उसे यूज करें, डॉक्टर से पूछे कितने दिन के लिए यूज कर सकते, राइट। सो अगर हम बात करें तो ये टॉपिकल स्टेरॉइड्स, इनको डिवाइड किया गया है उनकी पोटेंसी पे, कितने ज्यादा पावरफुल हैं उसके ऊपर। उसमें वेरी 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 पोटेंट वाले आते हैं, पोटेंट वाले आते हैं, फिर उसके बाद में कुछ आते हैं जो मॉडरेट और माइल्ड होते हैं। जो सबसे माइल्ड होता है वो होता है हाइड्रोकॉर्टिसोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन या हाइड्रोकॉर्टिसोन एसिटेट, ये सबसे माइल्ड। और ये भी बहुत बहुत कम डोज के क्रीम्स आते हैं, 0.0.01 ऐसे पर, इस बहुत बहुत कम डोज में। उसके बाद मॉडरेट वाले होते हैं जो कि 2 से 25 गुना ज्यादा पावरफुल होते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन से। उनका एग्जाम्पल क्या है, क्लोबेटासोन और ट्रायम सिनिकोल एसिटोन, क्लोबेटासोन और ये आपको आपकी क्रीम के कंटेंट में लिखा हुआ दिखेगा, इस प्रकार के नाम। कहीं पे भी सोन लोन दिखा है तो वो सोन लोन स्टेरॉइड है, याद रखें।
उसके अलावा जो उसके पोटेंट होते हैं वो 100 से 150 गुना ज्यादा पावरफुल होते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन से। इनका एग्जाम्पल क्या है, बीटामिटासोन, वैलेरेट एंड डोप्रोप्रिएट और डाइफ्लू कॉर्टोलोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन और ब्यूटरेट, मोमेटासोन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन। मिथाइल प्रेडनिसोलोन नाम बहुत सुना होगा कोविड में, राइट। और सबसे पोटेंट जो होते हैं, वेरी वेरी सुपर पोटेंट, वो होते हैं मतलब 600 गुना ज्यादा पावरफुल हाइड्रोकॉर्टिसोन से, वो होते हैं क्लोबेटासोल। क्लोबेटासोल बहुत पावरफुल होता है, या बीटामिथासोन। तो ये नाम आप बहुत कॉमनली यूज करते होंगे, देखे होंगे, कभी ना कभी इसकी क्रीम लगाई होगी अगर आपको कोई भी स्किन पे एलर्जी होती है। सो ये नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि कहां कहां कौन कौन से स्टीरॉयड होते हैं, कितने कितने पावरफुल होते हैं। सो हमेशा स्टीरॉयड की जो डोसेज शुरू होती है अपने डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे, या मिनिमम माइल्ड से ही ऊपर जाना चाहिए। उसके अलावा पोटेंसी कई और चीजों पर डिपेंड करती है। पोटेंसी डिपेंड करती है कि कौन सा मॉलिक्यूल है, दूसरा वो एग्जैक्टली जहां पे चाहिए वहां रीच होने में कितना अमाउंट रीच हो रहा है, एब्जॉर्ब कितना हो रहा है, स्किन के थ्रू जा पा रहा है कि नहीं, और लगाया तो कितना लगाया, जरा सा लगाया, ज्यादा लगाया, सही से लगाया, और उस जगह लगाया वहां पे स्किन की थिकनेस कितनी, वहां पे चमड़ी पतली है जैसे आईलिड पे है, जेनाइटल्स पे है, तो या तो बहुत एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, राइट। इसलिए फंगल इन्फेक्शन या जेनाइटल एलर्जीज में कम कम लगाते हैं, और अगर कहीं मोटी चमड़ी पे लगा रहे हो, पाम पे लगा रहे हो, सोल्स पे लगा रहे हो, तो एब्जॉर्प्शन बहुत कम होगा, तो आपको हाई पावर की क्रीम चाहिए। तो इन सारे फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है, और फॉर्मुलेशन कितने परसेंटेज की क्रीम है या लोशन है उस पर भी ध्यान देना पड़ता है। क्रीम, लोशन, ऑइंटमेंट सारे फॉर्म में आ सकती है। सो फॉर्मुलेशन इसी को कहते हैं, राइट। किस किस के कैसे कैसे जगह पे लगाना है उसी के हिसाब से आपको क्रीम या फिर लोशन या फिर ऑइंटमेंट दिया जाता है। जनरल रूल ये है, वीकेस्ट स्टीरॉयड आपको यूज करना है जो आपका काम कर ले, और शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम पे आपको यूज करके छोड़ देना। ये जनरल रूल है स्टीरॉयड क्रीम या टॉपिकल स्टीरॉयड का। उसके अलावा जो फॉर्मुलेशन आते हैं उसमें जैसे मैंने बताया, एक तो होता है ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट किधर लगाएंगे, ऑइंटमेंट लगाया जाता है ड्राई स्किन पे, ड्राई स्किन पे, बिकॉज ऑइंटमेंट के अंदर ज्यादातर ऑयल्स या इस प्रकार के थोड़े से मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सो इट इज सुटेबल फॉर ड्राई स्किन और नॉन हेयरी स्किन। इसमें क्या होता है, इसमें प्रिजर्वेटिव्स की जरूरत नहीं होती, इसीलिए इसके वजह से इरिटेंसी या कॉन्टैक्ट एलर्जी के चांसेस नहीं होते, तो ये इस मामले में बेटर है। लेकिन ये ऑक्लूसिव हो सकते हैं, यानी ये हेयर फॉलिकल्स या जो आपके स्वेट ग्लैंड्स जो हेयर फॉलिकल्स में से आते हैं उनको ये बंद कर सकते हैं, तो इसके वजह से कभी कभी फॉलिकुलाइटिस और मलेरिया में छोटे 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 दाने आने के रिस्क होते हैं, राइट। तो दूसरा तरीका है जेल या सोल्यूशन या लोशन। ये जेल वाले जो हैं ये हेयरी या बियर्डेड स्किन पे लगा सकते हैं, दाढ़ी पे या बालों पे, ये जेल वाले या सोल्यूशन वाले। यहां पे क्या है, इसके ऊपर एस्ट्रिंजेंट या ड्राइंग इफेक्ट होता है, और ये स्टिंग्स, ये थोड़ा सा जलता है, इनफ्लेम स्किन पे थोड़ा सा जलेगा, ये जलता है, इन्फ्लामेशन अगर वहां है तो ऐसा इफेक्ट होता है। लेकिन इसको बिकॉज ऑइंटमेंट लगाओगे अगर बालों में तो एक ट्यूब एक बार में लगाई पड़ी, इतनी सारी लगाई, तो इसलिए नहीं, तो इसलिए जेल या सोल्यूशन लगाया जाता है उस पर, ठीक है। सो ये तरीके के फॉर्मुलेशन आते हैं। अब इसके साइड इफेक्ट क्या है, सबसे खतरनाक चीज है जो समझनी है आपको, अगर अंधाधुन बिना किसी मेडिकल सुपरविजन के आप लगाए जा रहे हो, क्योंकि कई लोग गोरे होने के लिए लगाते हैं, जी हाँ, कुछ अगर आप इसे लगाते हैं तो टेम्पररीली कभी बार आपकी स्किन उधर से गोरी भी हो सकती है, हल्की सी, नॉट रियल, और टेम्पररी आप लगाना बंद कर दोगे तो फिर वापस सेम कलर हो जाएगी। और इसको अगर आप लगाते ही रहते हैं तो ओवर इफेक्ट हो जाएगा, राइट। अब नॉर्मली स्टीरॉयड का ओवर इफेक्ट हमने स्टीरॉयड वाले वीडियो में देखा था, उसमें कुशिंग सिंड्रोम नाम की बीमारी होती है। कुशिंग सिंड्रोम मतलब अगर आपने स्टीरॉयड ज्यादा खा लिया, ज्यादा दिनों तक खा लिया, और ज्यादातर कुशिंग सिंड्रोम ओरली यानी मुंह से स्टीरॉयड खाने वाली दवाइयां जो होती हैं उन्हीं से होता है। बहुत ही रेयर बात हो गई अगर आप बहुत ज्यादा बड़े एरिया में बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्रीम लगाते जा रहे हो तो हो सकता है कुशिंग सिंड्रोम, लेकिन ज्यादा चांसेस होते हैं क्यूटेनियस साइड इफेक्ट्स के। क्यूटेनियस साइड इफेक्ट्स जैसे ये क्या है, ये बेसिकली पहली चीज हो जाती है, स्किन आपकी पतली हो जाती है स्किन, याद रखें पहली। दूसरा, इसके वजह से स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं, इजीली बर्न हो सकती है स्किन, फट सकती है, और हेयर के थिकनेस बड़े हो सकते हैं, ब्लड वेसल्स मोटे हो सकते हैं। तो ये क्यूटेनियस यानी स्किन में साइड इफेक्ट्स होने शुरू होगा लंबे समय लगाएंगे तो। आंखों में लगाना शुरू कर दिया अगर आपने, तभी बोलते हैं कि आपको कॉशियसली यूज करना अगर आईलिड पे लगा रहे हैं, वरना आंख के आसपास उसके वजह से पेरीऑक्युलर डर्मेटाइटिस हो सकता है, और लंबे समय पे लगाने पे उसके वजह से आंखों का प्रेशर बढ़ के ग्लोकोमा या लेंस आपका खराब हो सकता है, कैटरैक्ट हो सकता है आंखों के ऊपर। तो बहुत सोच समझ के, डॉक्टर से समझ के कैसे लगाना है वैसे ही लगाना है। और अगर आप प्रेग्नेंट है
तो आपको ध्यान से यूज करना है कि अल्ट्रा पोटेंट वाला टॉपिकल स्टीरॉयड बिल्कुल यूज करना नहीं, पोटेंट वाला यूज नहीं करना, और अंडर सुपरविजन यूज करना है, ध्यान में रखें, ये ध्यान रखें। अब लगाना कैसे है? पहले तो उसको अप्लाई वंस डेली ओनली, नाइट में लगाना, या तो डॉक्टर ने आपको समझाया तब तो ठीक है, नहीं तो जैसा मैं बता रहे वैसे सिर्फ ही, और 5 दिन से लेके कुछ हफ्तों तक लगा सकते हैं, उसके बाद बंद किया जाता है, और या फिर उसकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस किया जाता है, थोड़े लेस पोटेंट वाले स्टीरॉयड पे आया जाता है, ऐसे केस में जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा इरिटेशन एमोलियंट कोई मॉइस्चराइजर टाइप चीज आप लगा सकते हैं, अगर आपको इरिटेशन हो रहा है, एमोलियंट कैन बी अप्लाइड बिफोर एंड आफ्टर टॉपिकल स्टीरॉयड, ताकि इरिटेशन, ड्राइनेस या बैरियर प्रोटेक्शन आप कर सकें। उसके अलावा इन्फेक्शन अगर होते हैं, क्योंकि स्टीरॉयड इन्फ्लामेशन कम करेगा आपकी बॉडी का, इम्यून सिस्टम को वहां पे कॉन्टेम्पररी रोक देगा, तो उसके वजह से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, चमड़ी में इन्फेक्शन हो सकते हैं। सो अगर होते हैं तो उस इन्फेक्शन के लिए फिर एंटीबायोटिक, इसीलिए कई लोग क्या करते हैं स्टीरॉयड प्लस एंटीबायोटिक क्रीम मिक्स करके देते हैं, और वो हमेशा लेंगे तो क्या होगा, बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाएंगे, फिर उससे भी ठीक नहीं होंगे। सो इसीलिए दो धारी तलवार है, सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके, सो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, आप इसको अगर हफ्ते या उससे ज्यादा लगा लो तो ये, ऑल्डो आप लगा रहे हो इरिटेशन कम करने के लिए, इसके वजह से डर्मेटाइटिस हो सकता है, बहुत ज्यादा लगाए तो स्टीरॉयड के वजह से लाल लाल निशान आ सकते हैं, रोसेसिया जने, वहां पे पतली स्किन हो जाके अंदर की खून की नसें मोटी होके खून की नसें दिख रही हैं, लाल लाल दिख रहा है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर इन्फेक्शन हो सकते हैं, पुस्टुलर सोरियासिस नाम की चीजें भी हो सकती हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखें। उसके अलावा अगर इन्फ्लेम्ड, इन्फ्लामेशन वाले पे आप, या ब्रोकन स्किन पे कोई घाव है, वहां कोई खरोच है, वहां लगाओगे स्टीरॉयड तो वो जल सकता है। उसके अलावा कॉन्टैक्ट एलर्जी है, किसी गहने को आपने पहना उसके वजह से आपको एलर्जी हो गई है, तो कई बार एक पर्टिकुलर स्टीरॉयड लगाने पर भी कॉन्टैक्ट एलर्जी उस स्टीरॉयड के वजह से भी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। प्लस ये सबसे बड़ा पॉइंट है, आज के डेट में जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आप देखते हैं गोरे होने के लिए, हो सकता है उनमें से कई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में इलीगली छुपा के स्टीरॉयड डाला गया हो ताकि आप कि जो इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन है वो ठीक हो जाए, आपके गोरापन आ जाए, ऐसी चीजों के लिए। सो ये ध्यान में रखें, कंपनी पर थोड़ा भरोसा होना चाहिए, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो है वो भी अपने डॉक्टर की निगरानी पर ही लेना चाहिए। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इंपॉर्टेंट वीडियो है, डिफरेंट वीडियो है, लेकिन एक बहुत जरूरी वीडियो है जो लोग कवर नहीं करते, सो प्लीज इसको शेयर जरूर करिएगा। दिस इज डॉक्टर परमजीत, यू वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन। याद रखें आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर और हमारी वेबसाइट पे जाके जरूर देखें, ये सारे वीडियोज हमारे जो होते हैं वेरीफाइड होते हैं, इनकी जानकारी ऑथेंटिक ट्रस्टेड है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपने अब तक नहीं किया। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।